दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभान शरण के विरोध में बैठे आधा दर्जन कुश्ती खिलाड़ियों पर हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहतास नांदल ने पलटवार करते हुए कहा है कि इन खिलाड़ियों की छाया डलने लगी है, ये नए खिलाड़ियों से हारने लगे हैं, जिसके चलते कुश्ती संघ और अध्यक्ष पर अनर्गल बयान लगा रहे हैं। उन्होंने धरना दे रहे खिलाड़ियों पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती के खिलाड़ी, मैं एक बात आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जंतर मंतर पर बैठकर ओलंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बने हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के मुंह से मैंने हजार बार बजरंग पूनिया और दूसरे खिलाड़ियों के मुंह से ये सुना है, और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कुश्ती को जिस मुकाम पर लेके गए हैं उनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ते हुए मैंने देखा स्टेजों पे भी और खुद में भी, और आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बेटियाँ एक लक्ष्मी हैं और भारत की संस्कृति ये नहीं कहती कि हम इस तरह की किसी के ऊपर निराधार आरोप लगाएं। ये सबसे हल्की राजनीति है, इस तरह के बयान अपनी बेटियों को तो बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। ये भारतीय कुश्ती संघ के अनुशासन और चरित्र निर्माण की वजह से और उन्होंने जितने कंपटीशन दिए हैं खिलाड़ियों को उनकी वजह से ये इंटरनेशनल बनी होंगी और अपनी पहचान बनाई होगी। जब इनके गेम की छाया ढलने लगी तो इस तरह की बयानबाजी करने लगी। आज से 10 साल तक तो इन्होंने कभी एक दशक में कुछ भी इस तरह का बयान नहीं दिया। नए खिलाड़ी जब उनको हराने लगे तो इस तरह की बातें आने लगी, और उनके साथ बैठा एक आदमी मैंने देखा है तीर्थ राणा, जो ना कोई पदाधिकारी है ना कोई किसी लेवल का पहलवान है, और ये किस तरह की हल्की राजनीति दिखाई जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो अच्छे नए प्लेयर हैं उनके पेरेंट्स को भी इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किसके बहकावे में आ रहे हैं। ये खिलाड़ियों की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे एक बहुत हल्की राजनीति की जा रही है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने तो अपना जीवन ही कुश्ती के लिए दे दिया है एक दशक के अंदर, तो उनके बारे में इस तरह के आरोप लगाना मैं सोचता हूँ किससे हड़की बात और किसी खिलाड़ी के मुंह से निकल ही नहीं सकती, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुश्ती को एक ऐसे मुकाम पे लेके पहुंचाया है, और इन्हीं खिलाड़ियों ने कसीदे पढ़े हैं और आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले खुद में जाप के देख लें, इन खिलाड़ियों ने अवार्ड के लिए किसी का नाम दिया है, कैश अवार्ड के लिए किसी का नाम दिया है, एक एक खिलाड़ी ने चार चारों के एफिडेविट दे रखे हैं मिनिस्ट्री में और स्टेट गवर्नमेंटों में। ये अपने अंदर तो देख नहीं रहे हैं और कुश्ती के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो अपने बच्चों की तरह खिलाड़ियों को प्यार करते हैं और उन्हें अनुशासन और पारदर्शिता दिखाते हैं। मैं इसलिए भारतीय कुश्ती संघ की जो अनुशासन की प्रणाली है उससे सहमत ही नहीं, बल्कि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी खिलाड़ियों से ये कहूँगा और मैं